आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन का ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ नहीं चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। अब ये ओपन करने के बाद आपके मोबाइल के सारे ऐप यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब ऊपर राइट में ये तीन डॉट आ रहे हैं, तो इन तीन डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद ये शो सिस्टम आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे नीचे आने पर आएगा ये ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ पे क्लिक करिए। उसके बाद फोर्स स्टॉप करिए, नीचे फिर से इस पर क्लिक करिए। और नीचे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैशे करिए, क्लियर डेटा करिए और डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो अब बैक आइए। अब बैक आने पर सेटिंग में नीचे आएगा ये अबाउट डिवाइस, तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा रियलमी UI या फिर आपके फ़ोन में कलर OS आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे चेक करिए, अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है तो अपने फ़ोन को अपडेट करिए। और यहाँ पे अगर कोई अपडेट नहीं आया है, वर्ज़न अप टू डेट आ रहा है, तो बैक आ जाइए। अब बैक आने पर सेटिंग में नीचे की तरफ आएगा या फिर अबाउट डिवाइस के ऊपर आएगा ये एडिशनल सेटिंग्स, इस पर क्लिक करिए। और नीचे आइए, बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करिए, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा ये रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करिए। और नीचे रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो जैसे कि वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग्स रीसेट होती है, तो ये हमने पहले से कर लिया है, तो इसे कैंसिल करेंगे, बैक करेंगे। बट आप रीसेट पे क्लिक करिए और नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करिए। उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। और अब चेक करिए आपके ओप्पो फ़ोन में ब्लूटूथ काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।